हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, ये जो है आज क्लास 8वीं का 11 जनवरी 2021 को जो होमवर्क आया है, कक्षा 8 का हिंदी का, जहां पहिया है, इस पार्ट का जो होमवर्क आया है स्माइल 2.0 में, इस ये वीडियो उस होमवर्क के लिए है। तो चलिए बच्चों, फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट से कॉपी लेकर नोट करें। तो पहला शब्द हमारा है परी, व प्र उपसर्ग से बने दो दो शब्द बताइए। आपको उपसर्ग पता है ना, जो शब्द आगे जुड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे हमारे पास है परिहार और परिवार। अब कैसे, देखिए परी प्लस हार बन गया परिहार, और इसी तरह से परी प्लस वार बन गया परिवार। तो ये हमारे दो शब्द बन गए, आप इनको नोट कर लीजिए। ऐसे ही हमारा बन गया प्र से, प्र प्लस हार बन गया प्रहार, और प्र प्लस यतन बन गया प्रयतन। इक वे वाला, यहाँ बच्चों वाला, इक वे वाला शब्द से दो दो प्रत्यय से बने दो शब्द बताइए। उपसर्ग तो बच्चों आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं। जैसे कि प्रति प्लस इक बन गया प्रत्येक, शरीर प्लस इक बन गया शारीरिक। और ऐसे ही अगर हम दूध प्लस वाला जोड़ते हैं बच्चों, तो बन गया दूध वाला। घर प्लस वाला जोड़ते हैं तो बच्चों बन गया घर वाला। पाठ प्रश्न तीसरा, पिता के बाद कविता के अनुसार बेटियां कैसी? देखिए बच्चों, पिता के बाद कविता के अनुसार बेटी जिम्मेदार होती। वह पिता के पिता से मिली दुकान को वारिस बनकर संभालती हैं, और साथ ही साथ वो अपनी माँ को भी संभालती। यानी कि बेटियां जिम्मेदार होती हैं, वो पिता के पिता से मिली दुकान को वारिस बनकर संभालती हैं और अपनी माँ को भी संभालती। अगला प्रश्न है, पिता के बाद कविता की लेखिका का नाम बताइए। तो देखिए बच्चों, पिता के बाद कविता की लेखिका का नाम मुक्ता है। गांव की महिलाओं की तुलना किससे की गई है? तो देखिए बच्चों, गांव की महिलाओं की साइकिलों की तुलना हवाई जहाज से की गई है। प्रश्न यही था, गांव की महिलाओं की साइकिलों की तुलना किससे की गई है? उत्तर है, गांव की महिलाओं की साइकिलों की हवाई जहाज से की गई। तो बच्चों फटाफट अपना होमवर्क कर लीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले होमवर्क मिलेगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।